अब बात करते हैं उस कानून की जो करण की तरह विपक्षी नेताओं को झटके दे रहा है। इस बार यह झटका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बात सीए की हो रही है। वैसे तो पूरा विपक्ष सीए का विरोध कर रहा है, लेकिन इसके विरोध में सबसे ज्यादा चिंगारियां पश्चिम बंगाल से निकली और सबसे आक्रामक रुख ममता बनर्जी का दिखा। लेकिन ममता के इस तेवर के बावजूद चुनावों के बीच सरकार सीए को लेकर फटाफट एक्शन में। इस खबर पर हमने सत्ता की संक्षिप्त और चकाचक पूंजी बनाई है। पश्चिम बंगाल में सीए वाले सर्टिफिकेट बंटने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार सीए के तहत नागरिकता दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीए तहत कई लोगों को नागरिकता दी। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि तीनों राज्यों के आवेदकों को संबंधित राज्य की अधिकार प्राप्त समिति की ओर से नागरिकता दी गई है। हालांकि कुल कितने लोगों को नागरिकता दी गई है इसकी जानकारी सामने नहीं आई। इससे पहले 15 मई को सीए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। सिर्फ 36 घंटे में आखिरी चरण का चुनाव होना है। पूरे देश को 4 जून का इंतजार है। टीएमसी के नेता इसी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पर वोट के लिए धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। वैसे तो ये आरोप ममता बनर्जी भी लगाती रही हैं। आपको याद दिला दें कि सीए को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था कि वो यूसीसी, एनआरसी और सीए को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। अब जब बंगाल में सीए के तहत नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है तो देश का सियासी तापमान मौसम के तापमान को भी पीछे छोड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियम 2024 जारी किया था। उसके बाद से बयानों का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए सीए के बंगाल वाले एपिसोड में कितनी आग है। এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার, আমরা মানছি না, আমরা মানব না। যা ইস দেশ মে আব কোই মাইকা লাল পাদা হুয়া হ্যায় জো সিএ কো খতম কর সকে। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बसाना है। देखिए, 7th फेज चुनाव का पहले और एक ड्रामा है बीजेपी का। हम लोग शुरू से कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी धर्म के आधार पे सिटीजनशिप देने का कोई प्रोविजन नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, जो लोग अप्लाई किए हैं उनका अगर रिजेक्ट हो गया, सुनने में आ रहा है बहुत ऐसे आदमी हैं जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया, उन लोगों का नतीजा क्या होगा? क्या उन लोगों को असम जैसा डिटेंशन कैंप पर रहना पड़ेगा? और उन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करेंगे। ममता बनर्जी बहुत दिनों से चिल्ला रही थी कि हम सीए नहीं लागू होने देंगे, नहीं लागू होने देंगे। हम पहले से ही बोल रहे थे कि पूरी तरीके से ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। कल इतने सारे लोगों को, पश्चिम बंगाल के भी लोगों को, सीए के द्वारा नागरिकता दी गई और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई। आगे भी दिया जाएगा, ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएगी। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं।